खुरदी जन्म करी। बड़ा जय श्री राम, राम का नाम लिया और समुद्र को उन्हें कूद गया है। हैं बोले तुम्हें भगवान के नाम की महिमा तुम्हें क्या बताऊंगा। उदाहरण दिया जैसे भूस का के ढेर हो, अगर आग की एक चिंगारी पड़े ना तो सब जला करके राख बना देता है। फिर उसी तरह भले ही तुम्हारे जितने पाप गिर नहीं हो, भगवान के नाम में इतने शक्ति है वो तो सारे पाप को ध्वंस कर देता है। देखो और एक उदाहरण दिया जैसे कि जो घर है ये 100 साल से ये अंधकार था घर, अभी तक यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, बंद था। अगर एक दिया जलाओगे वो सारे अंधकार दूर हो जाएगी कि नहीं बताओ, हो जाएगा कि दिया जलाने पर। लेकिन था 100 साल के अंधकार, लेकिन एक दिया जलाए तो क्या हुआ, अपने आप सारे एकदम उजला हो गया। कहते उसी तरह भले ही तुम्हारे हृदय में जितने पाप की हो, भगवान के नाम में इतने शक्ति है सारे पाप भी ध्वंस कर देता है, सारे पाप को नष्ट कर देगा भगवान का नाम। इतने में फिर जब दूत ने फिर उन्होंने उदाहरण दिए, उन्होंने फिर प्रश्न किया, बोले उसने भगवान को कब बुलाया। वो तो भगवान को नहीं बुलाया ना, किसको बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया था। वो तो भगवान को बुलाया नहीं, बेटे को बुलाया। देखो जमदूत विष्णुदूत क्या कहते हैं, बोले देखो भगवान का जो नाम है ना चार ही तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे, बोले संकेतम परिहस्यम वा स्तोभम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम। पहला उदाहरण दिया संकेत्यम, संकेत मतलब इशारा करके इंगित करके, जैसे बेटा का नाम गोपाल रख दिया, राम रख दिया, कृष्ण रख दिया, बच्चों को बारंबार गोपाल कृष्ण नारायण बच्चे को बारंबार बुलाते हैं, बस इससे ही जीव का कल्याण, इसको संकेत कहते हैं। बोले पारिहास्यम हसी दिलाई करते हुए, अगर बुला रहे कृष्ण कृष्ण करने पर क्या होता है, कहते हंसी दिल की करते हुए अगर कृष्ण कृष्ण बोला बस उसमें भी कल्याण हो गए। देखो हमारे गुरु जी की सुंदर कथा सुनाते थे, देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति। बोले एक समय दो भाई घर में रहते थे, एक भाई तो खूब भक्ति करता था लेकिन एक पूरा नास्तिक। अभी जो भक्ति करता है उसको पता भक्ति में क्या आनंद है, वो चाहता है मेरे छोटा भाई भक्ति करे, लेकिन पूरा नास्तिक। उसने एक दिन अपना गुरु जी को घर में निमंत्रण किया, बोले गुरु जी आज आओ घर में थोड़ा कीर्तन सत्संग हो और मेरे छोटे भैया को थोड़ा समझाना, वो भी भगवान की भक्ति कर। बोले ठीक है। जब घर में गुरु जी आए ना उसको पता चला गुरु जी को बुला रहे हैं, बोले सत्संग में बैठूंगा तब तो मेरे को समझाओगे, हमें सत्संग में बैठना नहीं। जब देखा गुरु जी घर में आ रहे ना उसने चला गया बाथरूम में और अंदर से कुंडी बंद कर उसके अंदर बैठा रहा जब तक कथा सत्संग हो। गुरु जी तो सोच रहे थे बेटा आएगा तो समझाऊंगा, लेकिन आया नहीं। गुरु जी कीर्तन किया सत्संग की, जब गुरु जी वापस जा रहे थे किसी तरह से उसको कल्याण करना, दरवाजा गटगटा है, बेटा बेटा दरवाजा खोल दो। बोले मैं नहीं खोलता। बोले बेटा एक बार खोल तो दे। बहुत कष्ट से उसने एक बार दरवाजा खोला, गुरु जी हाथ पकड़ लिए, बोले बेटा एक बार कृष्ण बोलो, एक बार बेटा कृष्ण बोलो। इतने में उसने बोल दिया मैं कृष्ण नहीं बोलता। क्या बोला उसने, कृष्ण बोल ही लिया। बोले बेटा तुमने कृष्ण बोल दिया, लेकिन एक बेटा ही काम करना, ये जो कृष्ण नाम तुमने किया ना उसको बेचना नहीं, बेचना मतलब मैंने ये नाम किया मेरे को ये फल दो, कभी इसको बेचना नहीं, और एक कृष्ण नाम से तेरा उद्धार होगा बेटा। बोले ठीक है गुरु जी। कुछ दिन बाद में इसको मृत्यु हुई, मृत्यु होने पर जमदूत ले गए, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो कितने पाप और कितने पुण्य किया। बोले महाराज इसका तो कोई पुण्य है ही नहीं, इसका तो सारे पाप ही पाप इसका है। बोले देखो ना थोड़ा बहुत इसका कोई पुण्य तो इसका होगा। बोले महाराज इसका एक पुण्य है, इनके घर में गुरु जी आए थे और इनको बोले एक बार कृष्ण बोल, एक बार गुरु जी के मुंह से कृष्ण नाम सुन करके कृष्ण बोला और गुरु जी ने ये बताया बेटा अगर इसको नहीं बचोगे ये कृष्ण नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी, एक बार उसने कृष्ण बोला। इतने में जब महाराज चित्रगुप्त को बोले शास्त्र ढूंढो जो एक शुद्ध साधु की मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुने और कृष्ण नाम कर इसका फल किया, अभी तुम शास्त्र ढूंढो। इतने में उन्होंने शास्त्र को ढूंढे, भागवत में एक श्लोक है बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगला मंगला नाम स
सकल निगम वल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सक्रियतपि श्रद्धया हेलेवा भृगुवर नर मात्र तारयति कृष्णा। इसका मतलब है जो भगवान का जो नाम है कभी मीठे से भी परम मीठा है और मंगल से भी परम मंगल भगवान का नाम है। बोले सक्रियत मतलब एक बार अगर किसी तरह से भगवान का नाम मुंह से निकल गया तो बोले नर मात्र तारे वो प्राणी मात्र को ही ये कृष्णा उधार कर लेता है। अगर एक बार प्रभु का नाम अगर निकल गया तो अभी तो जब महाराज चिंता में पड़ गए। बोले शास्त्र कहता है एक बार अगर प्रभु का नाम निकले तो जन्म जन्मांतर का सारे पाप नष्ट हो जाता है। और उसने साधु से नाम सुनकर साथ नाम किया। अभी जब महाराज तो विचार नहीं कर सके क्या फल दूं क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है और भगवान से तो कोई बड़ा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की कहते जब महाराज का दिमाग काम नहीं किया। बोले भैया चलो हम ब्रह्मा जी के पास में चले। बोले चलो कैलाश में। बोले चल करके नहीं मेरे को कंधे पर ले जाना पड़ेगा। ब्रह्मा भी कांड लग रहा। जब शंकर जी दूर से देखा स्वयं ब्रह्मा चित्रगुप्त और जब महाराज किसको कंधे पर ला रहे। बोले भैया ये तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा। शंकर पार्वती का आरती की थाला लेकर खड़े हुए स्वागत करने के लिए पहुंचे। बोले ये महात्मा कौन। बोले महात्मा नहीं ये पापात्मा। बोले फिर। बोले हमें बीच में फंसा दिया। आप ही बताओ एक कृष्ण नाम सुनने पर क्या फल है। शंकर भी सारे वेद वेदांत को निकाले सारे शास्त्र को ढूंढे इनका गुरु जी शुक्राचार्य फिर जिंदा कर दी। एक दिन देवता लोग भगवान के पास में गए। बोले प्रभु अमर कई जगह मिलेगा समुद्र मंथन करो अमृत निकलेगा अमर बन जाओगे। देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन की सर्वप्रथम हलाहल बीस निकला। शंकर जी को प्रार्थना की तो शंकर जी टन के टन उन्होंने जहर पान कर लिया। और कहाँ धारण किया। बोले कंठ में। इसलिए शंकर जी का जो कंठ है वो नील पड़ गया। इसलिए शंकर जी का एक नया नाम हो गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। देखो शंकर जी सिखा देते हैं कोई गंदी चीज को ना अपना अंदर में मत रखा करो। हृदय में ठाकुर का निवास है। अंदर में गंदी चीज मत लो और मुंह में भी गंदी चीज मत रखा करो। मैं पहले बताया था ना गंदी चीज कहाँ रखो। बोले कंठ में। पहले मैंने बताया था गंदी चीज अगर मुंह में रखोगे जुआ कर क्या होगा। फिर जिसके चुगली निंदा करेगा तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा करोगे हैं। इसलिए शंकर जी उसको गले में धारण कर लिया। फिर मंथन हुई। माँ लक्ष्मी स्वयं निकली। बताओ लक्ष्मी को कौन नहीं चाहते। दुनिया चाहते हैं सारा दुनिया लक्ष्मी के लिए पागल हो गई। ऐसे नहीं लक्ष्मी बोली सब लाइन के ऊपर खड़े हो जाओ मैं देखती हूँ मेरे उपयुक्त तो पति कौन है। तो उन्होंने बरमाला लेकर सबको पास में गई। लेकिन सबको अंदर में कुछ ना कुछ दुर्गुण देखा। उन्होंने सर्वगुण संपन्न कोई नहीं मिले। लेकिन जब प्रभु नारायण को पास में गए प्रभु का रूप देख करके देखा अगर सबसे सुंदर अगर कोई सर्वगुण संपन्न है ना ये भगवान नारायण है। फिर उन्होंने नारायण की गला में भी माला दे दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। फिर मंथन हुई। फिर स्वयं धन्वंतरि ने ये अमृत कलश लेकर उठा। फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई प्रारंभ हो गई। दैत्य लोग छीन लिया। भगवान ने देखा अगर दैत्य पान करके अमर बन गए अगर ये अमर बन जाए ना दुनिया के लिए हानिकारक है। फिर भगवान वही अवतार बोले तुम लोग दोनों लाइन दो लाइन करके बैठ जाओ। बोले देवता को तो पहले पानी पानी पिला देते हैं और दैत्यों को ना बोले तुमको जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा एक जगह पर बैठ कर हम दोनों पान करेंगे। बोले सुंदरी भले ये अमृत नहीं मिले तू मिल गया ना हमें तो सब कुछ मिल जाएगा। मोहिनी तो देवताओं को अमृत पिला रहे थे केवल दैत्यों को तरफ में तेरे से चित्त बने से देख रहे थे और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी हंस रही थी। देवता को तो अमृत का प्रति उनको दैत्यों का नजर ही नहीं उनका नजर तो मोहिनी को होती। बस उनको केवल मीठी मीठी मुस्कुराहट और तेरे से चित्त बना दिखा करके सारे देवता को बुला दिया। इतने में एक दैत्य था जिसका नाम था स्वर्भानु दैत्य। उसने देखा भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है ये नया दोस्त होता नहीं धोखा नहीं दे दे लगता है ये सारे अमृत इनको पिला देगी। उसने चंद्र सूर्य का बीच में आकर के बैठ गया।
भगवान उसको भी पिला दिया। चंद्र सूर्य इशारा किया, बोले प्रभु ये देवता नहीं ये दैत्य है। अमृत पी लिया, भगवान ने चक्र को बुलाया, गला काट दिया। गला काट दिया तो एक हो गया राहु, एक हो गया केतु, इसलिए बीच बीच में ये दोनों चंद्र सूर्य को ग्रास करते हैं। हाँ देखो पुराने में कथा दी है, भगवान जब ये चंद्र सूर्य उसका गला को काटे, उसका जो खून है ना और उसका हड्डी ये पृथ्वी के ऊपर गिरा, जहाँ पर इसकी खून गिर पड़ा वहां से हो गया प्याज की पौधा, जहाँ पर गिरा ये हड्डी वहीं से हो गई लहसुन की पौधा, वहीं पर आ गई। इसलिए आप देखना ये प्याज और लहसुन ये दो चीज को कोई ग्रहण नहीं करते हैं, भक्त लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अभी आप क्या नवदुर्गा के कोई व्रत रखते हो? नवरात्रि देखना, नौ दिन तक जब नवरात्रि रखते हैं ना ये प्याज लहसुन कोई स्वीकार नहीं करते, बोले क्यों? बोले माता जी को भी ये चीज स्वीकार नहीं है। क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो फिर प्याज लहसुन खाओ, उनको फिर नाराज करते हो? हाँ, इसलिए उनको जो चीज पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा पुराण में कथा आती है कि जो प्याज है ये गैया की मांस से सृष्टि हुई और लहसुन गैया की हड्डी से ये लहसुन सृष्टि हुई है, हैं? ये दूसरे पुराण में ये कथा आती है। इसलिए ये जो दो चीज भगवान की सेवा में ये दो चीज नहीं लगता है। इतने में भगवान सारे अमृत पिला लिया देवता को और भगवान अंदर ध्यान हो गए। देवता दैत्य में लड़ाई हुई, देवता तो अमृत पी चुके थे, सारे दैत्यों को मारना शुरू किया, जैसे केले का पेड़ काटते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है कि सब समाप्त हो जाएगा, फिर ब्रह्मा जी आकर उनको फिर रोके, फिर उनका गुरु शुक्राचार्य आए, संजीवनी मंत्र से सबको जिंदा कर दिया। उनका जो राजा बलि उसने यज्ञ किया जिसका नाम विश्वजीत महायज्ञ, यज्ञ से रथ निकला, वो रथ में बैठ करके जो युद्ध करके सो कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का फूल की माला किए, फिर उन्होंने स्वर्ग को ऊपर चढ़ाव किया, सारे देवता को मार मार करके स्वर्ग से बरा दिया, फिर बैठ गए राज्य में। सारे देवता दर दर भटक रहे थे, इनकी माता ने अदिति को श्री कश्यप ऋषि जी को बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले एक पैर व्रत को बोले 12 दिन का ये व्रत करो, भगवान का मन बन करके आएंगे, फिर तुम्हारी राज्य को वापस देंगे। फिर भगवान बामन देव प्रकट हुए, बोले श्री बामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की। देखो अभी भगवान बामन देव आ रहे हैं, भगवान बामन देव का जो उपनयन संस्कार हुई नियम है उसको बाद में भिक्षा लेने के लिए जाए, हैं? और भगवान आपको बाद में भिक्षा लेने जाएंगे। भगवान को भिक्षा लेने का बड़ा पुण्य है। सुदामा ने दो मुट्ठी चिड़वा दिया था ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य प्रदान की, अभी भगवान आपके पास में भिक्षा लेने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी को उनकी भिक्षा देना, ये बच्चे को ले जाओ भिक्षा देना, ऐसे ले जाओ। श्री वामन भगवान की जय, जय श्री राम। सुतिर द्वार खड़ा भगवान, सुतिर द्वार खड़ा भगवान, भगत भर गगन है सारा,
मांगने आया तेरे घर जगति का पालन हरे जगत का पालन हरे मैं आज तेरा मेहमान कर ले दे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे सबसे प्यारी कथा है। जब से सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा की वर्णना करेंगे, जैसे हम टीवी में सीरियल देखते हैं, उनके हृदय में तो भगवान की सारे लीला एक एक कर प्रकट होने लग गया और उन्होंने एक श्लोक बोले और पूरा कृष्ण कथा बोल दी। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कैसे गोकुल में गए और वहां नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे उत्सव हुआ, प्रकुतना मारे अघासुर बकासुर तिना बरतो मारे, फिर उसके बाद में ठाकुर जी कैसे उन्होंने कालियों को सर पर लेते की, कैसे महाराज रचाए, कैसे
फिर मथुरा में कंस की उधार किए, कैसे द्वारका में गए, 16108 पटरानियों से शादी की और एक एक पत्नी से 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई और ऋषियों की अभिशाप में ग्रहण किए, प्रभास क्षेत्र में गए और उन्होंने सबके सबको समाप्त करते हुए ठाकुर जी अपना लीला स्मरण कर लिया। एक श्लोक में ना पूरी कृष्ण कथा सुनाए, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, उन्होंने पूरा कृष्ण कथा को बंद कर दी। जब चुप हो गए ना, करके तो महाराज देखने लग गए, बोले क्या हो गया, बोले पूरी सुना दी ना, बोले अरे हम तो 4 दिन से इसलिए बैठा हुआ हूँ कि बोले कृष्ण की कथा सुनने के लिए, क्योंकि जो कृष्ण ये हमारे कुल देवता, इन्होंने मातृ गर्भ में हमें प्राण दान दिया, केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूँ, आप तो एक श्लोक बोल करके पूरी कृष्ण कथा सुना दिया। जैसे अगस्त ने एक चुल भर पानी में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिए, आप तो एक श्लोक में सारी कृष्ण कथा सुन ली, मुझे तृप्त नहीं मिला, आप तो विस्तृत रूप में कृष्ण कथा को सुनाया करो। प्रश्न है फिर उन्होंने एक श्लोक बोल करके कृष्ण कथा क्यों बोले? देखो इसका दो रहस्य बताया। पहला रहस्य है, जैसे आप एकदम कड़ी धूप से आ रहे हो, छाती फटका है प्यास में मारे, अगर बड़े सुंदर एक ग्लास कोई जूस देगा तो क्या करोगे, एक साथ में ना आप पी लोगे। कहते उसी तरह सुखदेव गोस्वामी कौन, बल्कि राधा रानी की प्रिय स्वरूप है, वो भी 4 दिन से देख रहे हैं कब कृष्ण कथा आएगा, फिर मैं दिल भर करके कृष्ण कथा सुनाऊं। लेकिन जब देखा कृष्ण कथा आने का समय हो गया, उन्होंने तो 4 दिन से इंतजार कर रहे थे कब कृष्ण कथा सुनाएंगे, जब कृष्ण कथा आया ना, पूरा उन्होंने एक श्लोक के द्वारा पूरा कृष्ण कथा खत्म कर दी, पूरा एक श्लोक में। कहते ये एक कारण। दूसरा कारण किया, वो परीक्षा कर रहे थे, क्या सचमुच से परीक्षित यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठा, कृष्ण कथा सुनने के लिए क्या सचमुच से बैठा ना, वैसे बैठा हुआ है, इसलिए उन्होंने परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक श्लोक में कृष्ण कथा सुना दी और चुप हो गया। जब चुप हो गए परीक्षित महाराज ने बोले कथा खत्म, बोले खत्म हो गया, बोले प्रभु में तो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ और किसी कथा सुनने के लिए नहीं है, इसलिए मुझे तृप्त नहीं मिला। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी बोले देख परीक्षित, 4-4 दिन हो गया, अभी तक तुमने एक ग्लास पानी तक भी नहीं पियो, थोड़ा पानी पी ले बेटा। बोले प्रभु ये पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई है, मैंने पानी के लिए ऋषि के पास में गया और ऋषि ने पानी नहीं दिया, तो मैंने पानी उन्होंने दिया नहीं, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और उनको बेटा ने हमें अभिशाप दिया, ये पानी के लिए तो सारी गड़बड़ी हुई है। फिर आप पानी की बात कह रहे हो, पानी मत पिलाओ, पानी पीते ही ना फिर क्या होगा, फिर कथा सुनने की इच्छा नहीं होगी, इसलिए आपकी जो मुखार बिंद है ये चंद्रमा, आपकी मुखार बिंद से जैसे चंद्रमा से जैसे किरण निकलता है, एक चिड़िया जिसके नाम चकोरा कहते हैं, वो जैसे कोई किरण को पान करते हैं, उसी तरह आपकी मुखार बिंद को दर्शन करते हुए आपकी कथा से कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बह रही है, हम तो उसी में तृप्त हो रहा, आप कथा को बंद मत करो, कथा बंद करते ही हमें फिर प्यासा सताने लग जाएगी। है तो उन्होंने 3 दिन तक केवल कृष्ण 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 कथा सुनाई है, हम भी 3 दिन तक कृष्ण कथा सुनेंगे। तो उन्होंने कृष्ण कथा को प्रारंभ करते ही बोले कृष्ण कथा बड़ी मीठी है, भगवान को बताया रस वैसे रसम जगाया लब आनंद भवती, भगवान किया पूरा रसी रस है, जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला कब होगा, जब गुले को रस में डुबाओगे फिर क्या होगा, रसगुल्ला। कि क्या भगवान ऐसे हैं? बोले नहीं, कृष्ण स्वयं ही रस स्वरूप है, इसलिए श्री बल्लभाचार्य बड़ा सुंदर एक मधुरा अष्टक लिखा है, बोले भगवान की सब चीज मधुर मधुर है, वो कहते बोले आधरन माधुर वदन मधुर आशित माधुर मधुर बदनाम मधुर नयनाम मधुर हसिताम मधुर चारितांग मधुर गमनाम मधुर
प्रीतम मधुरम गमनम मधुरम ये भगवान की कथा। कुछ भी करने का जरूरत नहीं, परीक्षित महाराज किया क्या बताओ, कुछ भी नहीं किया, केवल सात दिन कथा सुनते सुनते कथा समाप्त, वैकुंठ से रथ आया और रथ में बैठे सीधा प्रभु के धाम में गए। कहते भगवान की कथा औषध है, भवसागर से पार करने के लिए औषध। देखना एलोपैथिक जो दवा होता है ना, बड़ी कड़वी होता है, मुंह में डालते हैं तो झटा झटा अंदर ले लेते हैं, क्यों, उसमें कड़वा कड़वा पान। बोले क्या भगवान कथा में कड़वा? बोले नहीं, मनो और हृदय, कान और हृदय को रसायन कथा, भगवान को कथा को रसायन बताया, जो कान और हृदय को बड़ा आनंद करने वाले, ये भगवान की कथा है। फिर उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई। बोले जिस समय ये कंस ने बड़ा अत्याचार किया है, इसकी इतने अत्याचार की, बोले मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते, मेरे देश में कोई कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकते, मेरे देश में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकते। साधुओं को उन्होंने जेल में बंद करवा दिया और उन्होंने बड़ा कड़ा आईने बना दिया। अभी ये पाप से दुखी होकर के पृथ्वी, पहले ब्रह्मा जी माई वाला तेज थोड़ा तेज कर दो, इसलिए पहले ये पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में, फिर इंद्र के पास में, सारे देवता मिल करके फिर खीरी समुद्र के पास में जाते। और भगवान को बड़े सुंदर पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान को आह्वान करते हैं। भगवान आकाशवाणी की, हे देवताओं तुम लोगों का दुख मैंने समझ लिया है, हे देवताओं तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण करो, हे देवियां तुम लोग गोकुल में गोपी बन कर गया, मैं जल्दी आ रहा। कंस ने अपना बहन देवकी को, उन्होंने देव वसुदेव के साथ में शादी की, स्वयं सारथी बन करके विदाई दे रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई बीच में, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवती को तुम मरोगे नहीं? बोले हाँ मरूंगा। बोले फिर जब एक दिन मरूंगा, मरोगे आज नहीं तो 100 साल के बाद में, फिर बहनी को क्यों मार रहे हो? जब एक दिन मरोगे आज नहीं तो 100 साल बाद मरोगे। बोले हाँ, बोले देवत को क्यों मार रहे हो बहनी को? सारा दुनिया तेरे को ना इतनी निंदा करेंगे। बोले अपना बहनी को हत्यारा शादी को संसार में किया, जिंदगी भर तेरे को अपवाद सुनना पड़ेगा। बोले आकाशवाणी सुनी नहीं? बोले मैंने भी सुनी। बोले देख कंस, कौन मरता है, ये शरीर जैसे एक कपड़ा पुराना होने पर हम उसको छोड़ करके नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर जब पुराना हो जाए इसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, लेकिन ये जो आत्मा है ये न जायते न मृियते, और जो नित्य ये शाश्वत ये आत्मा है, नैनम चिंतति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, इसको अस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, और पानी में ये गीली नहीं होती है, ये नित्य शाश्वत है। जब ये नित्य शाश्वत को शरीर तक बोले सर छोड़ता है ना, बोले मरूंगा तो बाद में, अभी भी मरूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने कहा देख तुमको पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे जितने बच्चे होगा ना तेरे को सब दे दूंगा, तो बच्चों को मार दे, ये देवकी को क्यों मारोगे, क्यों बदनाम लोगे? अभी भगवान की जो इच्छा है बुद्धि बदल गया। बोले बात सही है, उसका जो पहला बेटा हुआ उसने लेकर के कंस को दे दिया, कंस का हृदय तो एकदम पिघल गया। बोले अपना बेटे को भी काल को दे सकता है? बोले इतनी ये सच बोलने वाले? बोले तेरे सत्यवाद में मैं संतुष्ट हूँ, इसको तो ले जा, ये अष्टम गर्भ का संतान से बड़ा मतलब है। इतने में नारद जी ने देखा भैया बड़े गड़बड़ी हो गई, क्योंकि भगवान कब आएंगे जो पाप की घड़ा करेगी, इसके हृदय में तो दया प्रकट हो गया, फिर भगवान आने में देर करेंगे। बस नारद जी बोले गोविंद जय जय हरि, अब ये दोनों ले जाओ, ये दोनों ले जाओ, अब लोग जाओ देवकी और वसुदेव, सभी देवकी, ये देवकी और वसुदेव, इनको मैया के ऊपर में ना एक कपड़ा ओढ़ाना, ऐसे नहीं बढ़िया कोई चमक धमक में कपड़ा मैया के सर पर ओढ़ाना, और तेरे पिताजी की एक पगड़ी बांध देना, और उनको ले जाओ तो इनको लेकर के सजा दो, और एक टोकरी हो ना, छोटा बच्चा कहाँ है कृष्ण, कृष्ण कहाँ है छोटा बच्चे, उसको एक टोकरी में रख करके ना, हाँ उसको एक टोकरी में रख करके पीछे से आएंगे, ठीक है, जाओ तैयार करो।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनमें से नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय देखा। उसने सारे देवताओं को लेकर के बैठा रखा और मीटिंग कर रहे थे। उसका विषय था तेरे को मारेंगे कैसे। देख कंस सावधान, ये जितने जदुवंशी सब देख रहे हैं ना, सब बैठे हुए हैं, ये और कोई नहीं, ये सब के सब देवता लोग आए हैं, तेरे को मारने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। तब उन्होंने एक फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़िया थी। बोले बताओ तो ये 8 पंखुड़िया में पहला नंबर कौन और 8वां नंबर कौन। बोले कैसे बताएंगे, आप जब इधर से गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5 7 8 हैं। बोले समझ गया। बोले क्या। बोले इतने समझ में नहीं आ रहा है, ये देवता का बात समझना बड़ा कठिन। अगर वो उल्टा से गिने तो फिर क्या होगा, जिसको तू 1 कर रहे हो ना हो जाएगा 8, और जिसको 8 कर रहे हो जाएगा 1। जब एक एक बच्चे बड़े होएंगे, 8 बच्चे बनेंगे, बड़े होंगे कि नहीं। बोले हाँ। बोले सब मिलकर के तेरे को मारेंगे। बोले गुरुजी फिर क्या करूँ, सबको मार डालने। बोले भैया मैं क्यों बताऊँ, तू जानता है, तेरा बात जानता है। बात सुनने भड़काए और नारद जी बोले गोविंद जय जय। बास नारद जी तो भाग गए वहां से। कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मार डाले। हाँ देखो यहाँ प्रश्न होता है, ये नारद जी ये बच्चों को क्यों मरवाए, कारण है क्या। बोले कारण है इनकी पूर्व जन्म की बात नारद जी को पता है। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र थे, ये मरीच थे। एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की को सृष्टि की जिसका नाम थी सरस्वती। वो इतने सचमुच से वो इतने सुंदरी बेटी थी, ब्रह्मा अपना बेटी को तो देख कर उसमें मोहित हो गए और उसको बेटी को पीछे भागे। इन लोगों ने देखा भी देखो बूढ़े को अपना बेटी को पीछे कैसे भाग रहा है, हंसी उड़ाए। ब्रह्मा जी इनको अभिशाप दे दिया। बोले ओ मेरे को देखकर हंसी उड़ाए, अपना पिताजी को हाथ में 3 जन्म तक मर कर तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। अभी वो 2 जन्म मर चुके हैं, इसी जीवन में जितने जल्दी मरेंगे उसको मुक्ति मिलेगी। ये नारद जी को इसे बात पता था, उन्होंने मरवाया नहीं, इनको उन्होंने मुक्ति करवा दिया है। अभी 6 बच गए। अभी सप्तम गर्भ में स्वयं दाऊ भैया बलदेव प्रभु अनंत देव आ रहे हैं और अष्टम गर्भ में कौन आएगा, श्री कृष्ण कन्हैया आएंगे। पर श्री कृष्ण कन्हैया लाल की देखो अच्छे तरह से सुनो, कहते इसका रहस्य क्या है। कृष्ण 8 स्टेज में क्यों आए और पहले इस बच्चे के क्यों मरवाए, यहाँ पर शिक्षा देते हैं। बल कंस बल भय बल जो 6 बच्चे को मरे, बल काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये 6 बा ये हमारे 6 ज्ञानेंद्रिया चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा। कहते अगर भगवान को कोई हृदय में बैठाना चाहते हैं बोले पहले क्या करो, बोले ये पहले 6 बच्चों को खत्म करो, काम क्रोध लोभ को पहले सब खत्म करो। फिर सप्तम सप्तम गर्भ में कौन आएगा, बोले बलदेव। बोले बलदेव मतलब साक्षात धाम स्वरूप है, ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, सब कुछ वो धारण करने वाले से बलदेव प्रभु, भगवान की सारे सेवा का रूप यही बलदेव प्रभु करते हैं। इसलिए सप्तम गर्भ में श्री दाऊ भैया आए। बोले अष्टम गर्भ में कृष्ण कन्हैया। बोले ये कृष्ण कन्हैया मतलब क्या, देखो मैं पहले बताया ना भक्ति के 8 सोपान है, 8 स्टेजेस है। पहला क्या है, श्रद्धा। जैसे श्रद्धा है आप लोग के अंदर में तभी यहाँ कथा में बैठे हो, उसके बाद में साधु संग आए तभी भगवान की कथा सुन रहे हो, फिर भजन क्रिया, फिर जब हमें पता चलेगा हम कौन है, हम भगवान के सेवक है, फिर भगवान की भक्ति करोगे भजन करोगे तो 4th स्टेज में सारे अनर्थ नष्ट होता है, सारे अपराध अनर्थ जाएगा। फिर पंचम में भगवान की कथा में रुचि आएगी, भजन में
फिर उसको बाद में फिर निष्ठा आएगी, इतने पक्की बन जाएंगे भले ही सारा दुनिया कुछ हो जाए। जैसे मीरा है, हरिदास ठाकुर उनको 22 बाजार में पिटाई हो गई, लेकिन मंडली का भजन कभी नहीं छोड़े। इसलिए जब निष्ठा हो जाती है ना, सारा दुनिया भले एक तरफ में हो जाए, लेकिन हम भगवान की भक्ति कभी हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में आसक्ति आएगी, फिर भाव, और लास्ट में प्रेम है, और प्रेम को द्वारा ही भगवत प्राप्ति का भगवत दर्शन है। इसलिए भगवान अष्टम गर्भ में भगवान आ रहे हैं। जब ठाकुर जी अष्टम गर्भ में आ रहे हैं, लेकिन हमारे जन्म कैसे हुआ? पिता माता के मिलन से, इसलिए हमको शुक्र जन्म कहते हैं। लेकिन भगवान की जन्म ऐसे नहीं, भगवान हमारा शरीर के 5 चीज को द्वारा बना हुआ, स्थिति आव तेज मरुद बम, और भगवान का शरीर बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान की शरीर हमारे जैसे शरीर नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरी जो जन्म कर्म ये अपराकृत अवलोक की है, साधारण नहीं है। इसलिए भगवान कैसे आए? पहले वसुदेव का हृदय में आए। वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कृष्ण कथा सुनाए, शब्द ब्रह्म रूप में उन्होंने देवकी के हृदय में प्रवेश करते ही जब भगवान आए, सारे देवता लोग आकर के स्वागत कर गए। हम भी थोड़ा स्वागत करेंगे, बोले सो स्वागतम कृष्णा, सो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सारे देवता लोग भगवान को स्तुति कर रहे हैं। अभी भगवान आने वाले, देखो कोई साधारण, कोई जैसे मोदी नहीं तो कोई योगी, अगर कोई आए जाएगा ना, कोई प्राइम मिनिस्टर, देखना उसके लिए कितनी सजावट, उसके लिए कितने श्रृंगार, उसके लिए कितनी प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अभी कौन आ रहे? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का माली, साधारण नहीं तारणहार आ रहे, तो उसके लिए कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः सर्व काल पेख गुण परम शोभना, जितने अच्छा अच्छा समय था ना, एक साथ में 6 ऋतु एक साथ में प्रकट हो गए भगवान को स्वागत करने के लिए। और जब भगवान आ रहे हैं, वृंदावन इतने प्रसन्न हो गया, वृंदावन धाम इतने प्रसन्न, बोले क्यों वृंदावन इतने क्यों प्रसन्न हो रहे थे? बोले भगवान नंगे प्यार में प्रभु गैया चराएंगे, कुंजो कुंजो में, गली गलियों में, कंदरा कंदरा में प्रभु लीला करेंगे। इसलिए सारे वृंदावन धाम सुसज्जित हो गए, और विशेष करके जो जमुना नदी, इसके आनंद की तो कोई सीमा नहीं। ये जमुना दृश्य निकल तो ये कलकल नाद करते करते बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और जयकार को सारे देवता लोग जयकार करें। आप कुछ बोलने चुपचाप बैठो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे यमुना की नदी की कोई आनंद की कोई सीमा नहीं। कहते क्यों? कम जमुना में भगवान जल विहार करेंगे, वही ईशा का सखी बनेगी जमुना देवी। इसलिए कहते और जो दूसरा दूसरा नदियाँ वो भी खुश होंगे, बोले क्यों 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 खुश होंगे? बोले जमुना ये बड़ी रानी, ये बड़ी नदी सबसे, और जो दूसरे दूसरे नदियाँ ना उनको बहनी है। जब कृष्ण यमुना को साथ में शादी करेंगे, पटरानी बनेगी, फिर ये नदियाँ क्या बनी जाएगी? उनकी साली बनी जाएगी। आप देखना कभी कभी जो दामाद है ना, जितने पत्नी की प्रेम करती है, कभी कभी साली को उससे ज्यादा प्रेम करती है। इसलिए नदियाँ सोच रहे थे हम तो कृष्ण का साली बनेंगे, कृष्ण हमें भी प्रेम करेंगे कृष्ण। इसलिए सब आनंद हो रहे थे। कमल फूल खिलता है दिन में,
लेकिन आज कमल फूल खिल गया है। वो एक मिनट उसमें कोई बर्तन खिल गया, बड़ा बर्तन। पर जितने संत लोग जब भगवान की स्वरूप को वर्णन करेंगे ना, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्र। सब भगवान को कमल के साथ में, बोले भगवान का मुख कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, चरण कमल, सब कमल कमल को साथ में दान देंगे। इसलिए कमल स्वयं खिल गया, रात को श्री कमल फूल खिल गई, सारा दुनिया जय जय जयकार कर रहे थे, बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की। इतने में भगवान एकदम रात भर बजे, भादो महीना बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में भगवान चतुर्भुज लेकर के देवकी वस्त्र में कारागार में, कलश के कारागार में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए भगवान चतुर्भुज लिए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म में था। वसुदेव ने कहा, प्रभु ये क्या, आपको तो हम पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के लड़के बन करके आए हो। बोले तुम्हारी पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए आया हूँ, पूर्व जन्म में तुम कृष्ण और सुतपा थे, तुम दोनों ने मेरे कठोर साधन भजन की। मैंने कहा क्या चाहिए प्रभु, बोले आप जैसे हमको एक लाला चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसा और कोई नहीं, मेरे जैसे मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लाला बन कर के आऊँगा, तुम्हारी स्मरण कराने के लिए आया हूँ। अभी मैं बालक बन जाऊँगा, मेरे को लेकर गोकुल में छोड़ देना, वहाँ से लड़की को ले आना। अभी भगवान आ रहे हैं, अभी आ जाओ, उसको बच्चे को लेकर आ जाओ। कहाँ पर बच्चे, उसको पिता माता को लेकर के आ जाओ। मैया कहाँ गई तुम्हारी, हाँ अरे लेकर के आओ बच्चे को, पिताजी को हाथ में इसको पकड़वा दो और यहाँ से लाइन कर दो, यहाँ बीच में भी कर दो, ये बीच में थोड़ी सी इनका रास्ता छोड़ दो। बता जी आ जाओ इधर, इनके लिए दो चेयर दे दो, यहाँ पर एक चेयर और एक चेयर ले आओ। हाँ इधर देखो, सुनो इधर, आज तो राधा रानी जन्म हुई, आज तो कृष्ण जन्म हुए, कल श्री राधा रानी जन्म लेगी। अरे इधर सुना, कल कौन जन्म लेगी, आज कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आए हो, कल गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना, क्योंकि जो अनुराग है ना राधा रानी प्रेम की मूर्ति है अनुराग की, इसलिए कल संध्या से गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो नंद के लाला की जय। हो सखी चलो नंद के द्वार, ओहे द्वार लाला के दर्शन करे राम, सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे खड़ा मत होना, भू कर रहा है, बैठ जाओ जो बक्स है ना उसके सामने खड़े मत होना।
अरे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, यहाँ बैठ बैठा करो, हम उसके सामने खड़ा हो गया, हम लोग बैठ जाओ वहाँ पर। अरे Thank you.
राधा रानी जन्म लगी, कौन सा रंग की साड़ी पहन कर जाओगे? गुलाबी रंग की, ठीक है। और भजन ठाकुर की आरती होगी ना, कोई नाच नहीं रही है, भजन गा रही है। श्री राधे हरे कृष्ण, हरे जय यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में आलंबो को मुझे आता नहीं है।